खोद रहे हो, वहाँ पर कुछ कुछ ना सोना दबा हुआ है, पानी दबा हुआ है, तेल दबा हुआ है, या वहाँ से कुछ आपको हीरे निकलने की एक संभावना है, लेकिन उन चारों में से कुछ ना कुछ उसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर और बात करेंगे सर एयरटेल की। अगर आपको ये पता लग जाए कि जहां आप कुछ गड्ढा खोद रहे हो वहां पर कुछ कुछ ना सोना दबा हुआ है, पानी दबा हुआ है, तेल दबा हुआ है, या वहां से कुछ आपको हीरे निकलने की एक संभावना है, लेकिन उन चारों में से कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकलेगा, तो आप उस गड्ढे को निरंतर खोदोगे जब तक कि आपको पता लग जाए कि वो चीज़ें नहीं निकलती जो जिसके लिए आप वो गड्ढा खोद रहे हो। अब उस दौरान क्या होगा सर? उस दौरान ना लोग आपको कहेंगे यार आप तो बेकार हो, गड्ढा ही खोद रहे हो। उस दौरान क्या होगा? उस दौरान आप थकोगे भी, उस दौरान आपका दिल भी टूटेगा, उस दौरान आपको कई लोग कहेंगे भाई हो क्या गया तुझे, गड्ढा खोद क्यों रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि उस गड्ढे में कुछ दिनों बाद मुझे कुछ पैसे खर्च करके कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना तन मन धन और अपना एक शक्ति लगा दोगे और उसके द्वारा वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो चीज़ के लिए आप वो गड्ढा खोद रहे हो। इसका क्या तात्पर्य है सर? इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी एक चीज़ के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में भारे आती हैं और वो चीज़ जब आपको गिरती हुई नज़र आती है, तो हम उस चीज़ को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ है शेयर मार्केट, जहां आपको इंडस टावर वोडाफोन आइडिया के कदमों से गिरता हुआ दिखाई दिया है और वोडाफोन आइडिया में काफ़ी निवेशक जो फंसे हुए थे सिर्फ इस वजह से कि वोडाफोन आइडिया आपको जीवित होकर दिखाएगा और आगे जाकर अच्छे संकेत दिखाएगा। लेकिन जहां इंडस टावर ने सारी सेवाएं रोकने के लिए वोडाफोन आइडिया को कहा था और उस दौरान वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने की पूरी प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उस चीज़ में भी विफल रहा है क्योंकि सरकार ने कहा कि पहले प्रमोटर इसके अंदर पैसा डालेंगे जब जाकर इसके अंदर स्टेक लेंगे। ये बीते दिनों की बात है। लेकिन इसी दौरान आपको देखने को मिला इंडस टावर ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया और रिजल्ट में क्या दिखाया गया कि वो वोडाफोन आइडिया की वजह से ही अपने रिजल्ट में ये चीज़ें लाया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान उसने वोडाफोन आइडिया ने बकाया नहीं दे रहा उसकी वजह से उसका ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर आपको देखने को मिले कि अगर आपको सारा का सारा सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही केंद्रित होता हुआ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वोडाफोन आइडिया अच्छा होगा तो फिर सारी कंपनियां इससे अच्छी होती हुई दिखाई देंगी और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इंडस टावर पे पड़ेगा, क्योंकि इंडस टावर जो है वोडाफोन आइडिया की वजह से डूब रहा है। तो सरकार ने फैसला ले लिया, सरकार ने कहा कि 33% का स्टेक इसके 10 रुपये के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जीवित हुआ है और जब वोडाफोन आइडिया जीवित हुआ है तो इंडस टावर क्या हुआ? इंडस टावर को उम्मीद हुई है किस चीज़ के लिए? कि अब वो फंड जुटाएगा, प्रमोटर फंड डालेंगे, बैंक लोन देगा, कुछ ना कुछ होगा और उसका पैसा वापस आएगा। जब उसका पैसा इंडस टावर का वापस आएगा तो इंडस टावर में क्या होगा? इंडस टावर जो है जिस तरीके से 200 से नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला, ये अब और तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। यहाँ पर बात खत्म हो रही है क्योंकि यहाँ पर थोड़े से उजाले वोडाफोन आइडिया के द्वारा सरकार के स्टेक के द्वारा इंडस टावर में लगने को मिले हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इंडस टावर जो है जिसकी हिस्सेदारी एयरटेल की इसके अंदर 24.94% थी और एक सहायक कंपनी नेटल इंफ्रा जो है उसकी हिस्सेदारी 23.01% की है। अब एयरटेल ने क्या चीज़ बोली? एयरटेल ने कहा है कि उन्होंने इंडला की उन्होंने 23.01 की हिस्सेदारी को भी अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि अब वो एयरटेल का इंडस टावर में 47.9% का स्टेक एयरटेल का हो गया। अब इतनी बड़ी कंपनी जिसने पहले 5G लॉन्च किया है 47.9% की हिस्सेदारी इंडस टावर में ली है, क्या ये सिर्फ पैसा डुबाने के लिए या उसको पता है कि वो सारी चीज़ों को अपना नेटवर्क की सुविधा देगी अपने टावरों से? तो किस लिए लिए? कि यहाँ पर इंडस टावर काफ़ी अच्छा शेयर है सर, इसके काम को आपको समझना पड़ेगा। शेयर प्राइस और ऊपर नीचे जाने में तो हमें अपना जो समय है ना वो बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अगर आपको काम समझ में आए तो काम तो राकेश झुनझुनवाला ऐसे समझते थे, जो भी शेयर को खरीदते थे फिर उसमें से वो प्रॉफिट ही कमा लेते थे। देखिए झुनझुनवाला काम को पकड़ते थे, शेयर प्राइस को नहीं पकड़ते। टाइटन देखो सर कहाँ से कहाँ, कैनरा बैंक में कैसी नज़र रखी थी उन्होंने, टाटा मोटर्स में कैसी नज़र उन्होंने रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है कि हमारा जो प्राइस नीचे गिर रहा है इंडस टावर का वो सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए गिर रहा है।
वो सिर्फ हमें एग्जिट करने के लिए भी नीचे आ सकता है। और वैसे भी आपको सारी सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की वजह से ही इंडस टावर में गिरती हुई दिखाई दी थी। जिस इंडस टावर में अब एयरटेल का 7.9% स्टेक हो गया, तो मैं इस शेयर को बहुत ही बेस्ट मान रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी इसके अंदर और ज़्यादा जब अच्छा होगा, जब वोडाफोन आइडिया अब जीवनदान मिलने के बाद पैसा इकट्ठा करके इंडस टावर को देगा। अब पूरी चीज़ आपको डिटेल में समझनी है तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो जो अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं आज अपलोड की है, उसको जाकर देख लेना सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अंदर आज मैंने अशोक लीलैंड, विप्रो, अडानी के शेयर, इंडस टावर, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और शेयर में किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए सारी चीज़ें डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम है का सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आप दर्शन दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।